हमारी भी सुन लो सरकार, बार बार झारखंड के छात्र ये दोहरा रहे हैं। बहुत खराब स्थिति है झारखंड में, रोजगार हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसका कोई स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। अब एक बार फिर से राज्य के युवा सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एक तरफ हेमंत सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे होने से ठीक पहले आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, तो दूसरी तरफ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र आंदोलन की तैयारी कर लिए। इस बार आंदोलन सड़कों पर नहीं, सोशल मीडिया की एक्स प्लेटफॉर्म पर होगा। छात्र नेता ने बताया कि नियोजन नीति की तरह ही 11वीं जेपीएससी के नोटिफिकेशन जारी और परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया की एक्स प्लेटफॉर्म पर 14 दिसंबर को किया जाएगा। हम लोग का डिजिटल आंदोलन आगामी 14 दिसंबर 2023 को है। ट्विटर अभियान, जो अभी एक्स ऐप के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम लोग ट्विटर कैंपेन के माध्यम से वर्तमान सरकार को, जेपीएससी आयोग को, कार्मिक विभाग को हम लोग निवेदन करना चाहेंगे हम लोग की 11वीं जेपीएससी जल्द से जल्द मांग किया जाए और आगामी 14 दिसंबर 2023 को दिन 11 बजे से ट्विटर कैंपेन शुरू होगा, जिसका हम लोग का हैज टैग है, जो कैमरामैन से मेरा निवेदन होगा कि जूम करके दिखाएंगे, और सभी ट्वीट रीट्वीट करने वाले छात्र से निवेदन होगा कि हैज टैग में गलती नहीं करेंगे। हम दोहराना चाहेंगे, हमारा हैज टैग है #11_JPSC_Jari_Karo, सभी कैपिटल में है। सरकार को यही चीज़ कहना चाहते हैं कि चाहे छात्रों को जो है 5 लाख नौकरी देने के वादा किए थे, और यहाँ जो है ना साल में ना 6 महीना में ना ये 4 साल बीतने चला, लेकिन सरकार आज तक से जो है 5000 नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। इसी तरह लगातार 8 साल से हो रहा है। देखिए इस राज्य का दुर्भाग्य जी, और इसमें एज का भी कंसेशन नहीं मिल रहा है। हमारे जो भी नेता बनते हैं या जो भी बनते हैं एज का भी, तो जो 2016 में भरा था आज 2023 आ गया, क्या उसका एज वही है? एज तो नहीं है। आप ही बताइए इस राज्य का दुर्भाग्य कहाँ है, पढ़ने लिखने वाले युवा कहाँ जाएंगे? इससे पहले सोशल मीडिया की एक्स प्लेटफॉर्म पर नियोजन नीति को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें करीब 7 लाख लोग जुड़े थे। हालांकि 11वीं जेपीएससी के आयोजन की मांग काफी समय से छात्र करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। रांची से TV45 के लिए राहुल कुमार पांडे के साथ पिंटू सिंह की रिपोर्ट। ग्यारहवीं जेपीएससी हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है, बड़ा मुद्दा रहा है रोजगार, और इस बार मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रही है। तमाम मुद्दों की जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, एक बार फिर छात्र आंदोलनरत हैं, इस बार आंदोलन दिखाई देगी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, एक्स पर एक सोशल मीडिया कैंपेन चलने जा रहा है, इस कैंपेन के बारे में तमाम जानकारी पहले दर्शकों को दें। हम राहुल से एक बार फिर बात करेंगे, राहुल से ये सवाल करेंगे कि राहुल, रोजगार हमेशा से एक मुद्दा रहा है, 11वीं जेपीएससी भी मुद्दा रहा है, कई वर्षों से लगातार इस पर चर्चा हो रही है, आंदोलन की तैयारी फिर हो रही है, लेकिन आंदोलन की तैयारी इस बार हो रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, एक्स पर एक सोशल मीडिया कैंपेन चलने जा रहा है, रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार को छात्र घेरने की तैयारी कर रहे हैं, से पहले डिजिटल कैंपेन के बारे में दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम बता रहे थे कि इससे पहले भी नियोजन नीति को लेकर जो छात्र आंदोलनरत थे और उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म आने, एक तरह से कह सकते हैं सोशल मीडिया पर उन्होंने नियोजन नीति को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू किया था। करीब 7 लाख से अधिक लोग इसमें शामिल हुए थे, 7 लाख से अधिक बार ट्रेंड हुआ था नियोजन नीति को लेकर उनका आंदोलन। हालांकि फिलहाल की अगर बात करें तो 11वीं जेपीएससी को लेकर काफी महीनों से चर्चा आ रही है कि अब आज या कल में नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन अब जो छात्र हैं उनका, जो प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनका धैर्य की बांध टूटता दिखाई दे रहा है, और अब वो इस तैयारी में जुटे हैं कि कल आने, आगामी कल 14 तारीख है, 14 तारीख को सोशल मीडिया के माध्यम, एक्स जो पहले ट्विटर होता था उसके माध्यम से
ट्रेंड करेंगे, हैशटैग करेंगे और उस पर आंदोलन कराएंगे, चलाएंगे और इसके माध्यम से पूरे झारखंड के उन सभी छात्रों को जोड़ने की कोशिश ये छात्र करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। हालांकि झारखंड में देखा जाए तो 11वीं जेपीएससी अभी होने की तैयारी चल रही, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। 4 साल के कार्यकाल पूरा होने वाले हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी चुनावी वादे या घोषणा पत्र की बात करें तो 5 लाख प्रति साल नौकरी देने के वादा किया था, लेकिन उस वादों पे कहीं ना कहीं खरा उतरते हेमंत सरकार दिखाई नहीं दे रहे, जिसके वजह से युवाओं का हौसला टूट रहा है और अब आंदोलन का रुख युवा कर रहे हैं। हालांकि आंदोलन भी अनूठा है अपने आप में, क्योंकि डिजिटल आंदोलन होना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि युवा पूरी तरीके से तैयार है, और डिजिटल आंदोलन इसलिए भी अपने आप में अनूठा है क्योंकि जो भी प्रचार प्रसार चुनाव में किए जाते हैं उसमें डिजिटल का अहम रोल होता है, क्योंकि 2014 के बाद आप देखेंगे देश में तेजी से डिजिटलीकरण हुआ है और लोग डिजिटल को समझ रहे हैं। ऐसे में अगर ये युवा आंदोलन करते हैं रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर, 11वीं जेपीएससी को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसका असर आगे भी देखने को मिलेगा। हालांकि राज्य को बने 23 साल हो चुके हैं और 23 सालों में सिर्फ 11 जेपीएससी की का परीक्षा होना, आयोजन होना, कहीं ना कहीं राज्य की कमियां दर्शाता है कि 23 सालों में सिर्फ 11 जेपीएससी आने आधे से भी कम जेपीएससी परीक्षाओं का आयोजन करा पाई है सरकार। हालांकि छात्रों को उम्मीद थी कि हेमंत सोरेन सरकार पूर्ववर्ती सरकार की तरह नहीं करेंगे और हेमंत सोरेन सरकार ने किया भी, 7 से 10वीं जेपीएससी को एक साथ, 3 जेपीएससी की एग्जाम एक साथ कराए और 11वीं जेपीएससी को लेकर भी बातें सामने आ रही थी, लेकिन कई महीनों बीत जाने के बाद भी 11वीं जेपीएससी की परीक्षा का आयोजन या नोटिफिकेशन जारी न होना अब जो छात्रों का है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनका आस टूट रहा है, भरोसा टूट रहा है, जिसकी वजह से अब आंदोलन का रुख कर रहे हैं। हालांकि आंदोलन डिजिटल है और काफी अनूठा आंदोलन है। हालांकि देखना यह होगा कि कल जब इनका आंदोलन शुरू होता है कल सुबह 11 बजे से किस तरीके की ट्रेंडिंग होती है। जी देखिए, सोशल मीडिया पर तो आंदोलन शुरू होने जा रहा है, छात्र सरकार को घेरने की तैयारी में है, नियोजन नीति को लेकर सरकार की ओर से कोई भी बातें सामने नहीं आ रही है। एक और मुद्दा इन दिनों काफी गर्म है, रोजगार से ही जुड़ा है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो उसको स्थगित की गई है उसको लेकर भी छात्र लगातार सरकार को घेर रहे हैं। जेपीएससी, जेएसएससी, रोजगार की कहीं बात नहीं हो रही है, परीक्षाओं को लेकर कहीं बात नहीं हो रही है। क्या सरकार की ओर से कभी इस मसले पर, क्योंकि अब चुनाव में कुछ ही समय बचे हैं, आम चुनाव में भी कुछ ही समय बचे हैं और उससे कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, 5 लाख नौकरियों का वादा सरकार की ओर से किया गया था, धरातल की सच्चाई क्या है, छात्र क्या कह रहे हैं राहुल? देखिए, छात्रों की अगर माने तो छात्र जिस तरीके से आक्रोश में है, हम इसलिए आक्रोश में कह रहे हैं कि लगातार उनकी मांग होती रही है कि सरकार रोजगार दे, और झारखंड में रोजगार एक बड़ी समस्या है आयुष की। जिस तरीके से आप देखेंगे झारखंड के मजदूर हों या युवा हों, अलग राज्यों में, दूसरे राज्यों में जो पड़ोसी राज्य हैं या दो दूर के राज्य हैं, उस राज्यों में जाते हैं नौकरी करने और उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका जीता जागता प्रमाण कोरोना देखने को मिला, लेकिन छात्र अब इसलिए आक्रोशित है कि बीते 4 साल पूरे होने वाले हैं सरकार के और 4 सालों के अंदर एक बार सिर्फ जेपीएस का आयोजन कराया गया, उसके बाद आप सीजीएल की बात कर ले, जो आप जेएसएससी की बात कर रहे हैं, वो परीक्षा भी होने वाली थी 16 और 17 तारीख को, उसको स्थगित कर दिया गया। हालांकि अब उसकी तारीख जो है जनवरी महीने में निकाली गई है और जनवरी महीने में परीक्षा होगा, एक ही दिन 2 परीक्षाएं होंगी। उस पर भी छात्रों द्वारा आपत्ति जताई जा रही कि एक दिन में 2 परीक्षा देना संभव नहीं होता है। हालांकि सरकार किस दिशा में काम कर रही, किस ओर काम कर रही है, कह पाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन छात्र जिस तरीके से छात्रों में आक्रोश है सरकार को लेकर, रोजगार को लेकर, वो देखने को मिल रहा है। और इस आक्रोश का अगर यही आक्रोश बना रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, छात्रों को हित में कोई कदम नहीं उठाए तो हो सकता है आने वाला समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही नहीं, इंडिया गठबंधन और झारखंड के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है, क्योंकि युवा जिस तरफ चलता है उस तरफ बदलाव चलता है और युवाओं में वो बदलाव की शक्ति है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो रघुवर दास पूर्ववर्ती जो सरकार थी और हेमंत सोरेन की जो सरकार आई, इसमें युवाओं का अहम रोल रहा है। झारखंड युवाओं का प्रदेश है और ऐसे में युवाओं के रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या सरकार को की ओर से नहीं सोचा जाना कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। अब
युवा पूरी तरीके से तैयार है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग तैयार है, क्योंकि उनको डर यह सता रहा है क्योंकि उनका एज धीरे धीरे खत्म हो रहा है और वैसे में सरकार की ओर से सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाना कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें उनकी जो चिंता है कैरियर को लेकर वो चिंता कहीं ना कहीं हर दिन बढ़ती जा रही है। जी जी राहुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और रोजगार के इस मुद्दे पर तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है, वहीं दूसरी तरफ छात्र डिजिटल आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। डिजिटल आंदोलन एक्स पर सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेरने की तैयारी हो रही है। रोजगार को लेकर लगातार छात्र सवाल उठा रहे हैं, युवा मौजूदा सरकार से नाराज नजर आ रही है। कुछ ही महीनों में चुनाव है, अगर युवाओं की नाराजगी इस चुनाव में देखने को मिली तो परिणाम बदल सकते हैं।